अजराज की कदा और कद्र, कदा का इल्म अलग है, कद्र का इल्म अलग है, और इरादे के इससे अलग है। समझ ये सारी चीजें मिलकर सिर के तौहीद सामने आता है, और दुनिया में मासूम के अलावा जो चीजें किसी ने नहीं सीखा। इल्म बदा क्या है? इल्म बदा यानी परवरदिगार को ये मालूम है कि क्या होगा, इसलिए कि मुकद्दर किसने किया है, लेकिन अपनी मुकद्दर की हुई चीज को बदल दे, वाकया होने वाला है उसकी जगह पर कोई दूसरा वाकया हो जाए। तो इस इल्म को जब गैर पढ़ते हैं, जहां इल्म ताबे मदीनतुल इल्म नहीं है, तो वो कहते हैं कि अल्लाह जो है वो अपने प्रोग्राम बदलता रहता है। लेकिन इल्म बता ये बता रहा है ऐसा नहीं है, यानी जो चीज को बदलेगा उसका दीन मिलते था, जो मुझे ये करना है ऐलान ये होगा ये होगा, लेकिन जो उसकी जगह होना है वो भी उसे पता है। अब अगर सारी दुनिया ये इनकार कर दे तो ये बता कोई चीज नहीं है, तो उस दुनिया से मैं ये सवाल करूंगा कि उस खुदा ने इब्राहिम से जो कहा था कि बच्चे को विदा कर दे, बच्चे को विदा कर दे, मीना पर लेकर गया बाप बच्चे को विदा कर दे, बच्चा विदा नहीं हुआ दुम्बा आ गया। तो अब ये बताइए कि इन दोनों प्रोग्रामों में से अल्लाह का प्रोग्राम कौन सा था, और दोनों का इल्म से था या नहीं। इस नदी को ये कहना कि विदा कर दो, इस जमाने उसे विदा होना था, हुक्म था, उसने हुक्म दिया था कि विदा कर दो, और वो ये भी कहते विदा कर दो, उनकी नियत उनका इरादा भी था, बेटे से पूछ भी लिया था कि विदा होना चाहते हो, यानी विदा होने वाला भी तैयार, विदा करने वाला भी तैयार, विदा करवाने वाला भी तैयार, फिर भी विदा नहीं हुए और जुम्बा आ गया। इसे कहते हैं बदा, यानी विदा होना था पर वजदार ने अपने इरादे को बदला, बजाय इस्माइल के विदा होने के जानवर विदा हो गया। यह है इल्म बदा। इसी म्यार पर फर्क के चले जाए कि कहां पर क्या होने वाला था और क्या हो गया। इसी से हर एक हर बात का पता जानता है कि बिल्कुल इसी तरह जब उसी ने पूछा मासूम को, शैतान ने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, लेकिन परवरदिगार पर आपने फरमाया कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि सजदा कर, लेकिन परवरदिगार ने यह नहीं चाहा कि सजदा कर। यह वो इल्म था कि जहां तारे सिर पर मासूम उठाने वाला ना होता तो दीवाना हो जाता। इसलिए हर एक को इल्म दिया, कुमैल तुम लो, मीसम तुम लो, अम्मा तुम, सलमान तुम, अबूबकर तुम, हर एक को नहीं मुझे राज बताया, जो बार उठा सकता था उन्हें मुझे राज बताया। उसने कहा कैसे, कैसे हुक्म दिया कि सजदा कर, अपने कदा से हुक्म दिया लेकिन कदर से नहीं चाहा तो सजदा कर। मौला कायनात एक दीवार के पास खड़े, दीवार देखने लगी, मौला हज बन बैठे इधर आ गए, देखने का डर गए, अभी दीवार के कितना देखकर डर गए और इधर आ गए। क्या नहीं कजाए इलाही से निकलकर कदरे इलाही में आ गए। मासूम समझा रहे कि उसने अपने कजा से हुक्म दिया सजदा कर,
सजदा ही में था कि सजदा नहीं करेगा, वो कह दिया लेकिन इल्म था कि सजदा नहीं करेगा। अब कद्र को इस्तेमाल नहीं किया उसने, कद्र का इस्तेमाल ये था कि पेशानी पकड़ के आदम के पुत्र का झुका देता है उसके अख्तियार में। अपने इस कद्र के अख्तियार को न इस्तेमाल करके उसने कद्र को इस्तेमाल नहीं किया। जैसे ही पेशानी को पकड़कर झुका था और कहता कर सजदा, तो अकड़ कर वो कहता बस नहीं चला जबरदस्ती सजदा कर रहा हूं। और जैसे ही शैतान ये कहता करवा लिया ना जबरदस्ती, तो अदल खत्म हो जाता। जुल्म से सजदा करवाया तो जुल्म से सजदा न करवा के क्या हाथ से सजदा ना करे अपने अदल को बरकरार रखने के लिए। इसलिए मासूम ने कहा कि हुक्म दिया तो सजदा कर लेकिन नहीं चाहा तो करे, यानी नहीं चाहा जबरदस्ती जोर के जरिए नहीं चाह। पूरा दिन यही है अगर समझ में आ जाए, पूरा दिन यही है क्या एक रहा बिल्कुल। अगर ये पूरा दिन समझ में आ जाए, ये दिन समझ में नहीं आया इसलिए ये कहा कि मुकद्दर था तो हुसैन कत्ल हो जाए। मुकद्दर नहीं था, ये कदा और कदर का मसाला था। अगर दुनिया इसे समझ लेती तो अल्लाह की मर्जी से कत्ल हो गए, अल्लाह की मर्जी से हुसैन कत्ल हो गए। तो इस तरह से फिर हर एक दुनिया का हर इंसान फिर किसी कातिल को सजा ही न दी जाए इस नीति अल्लाह की मर्जी। और जजा और सजा जब खत्म हो गया उसकी मर्जी से हुआ है कि मेरा सजा किस बात की दे रहा है, काहे की सजा दे रहा है, अपनी मर्जी की उन्हें जलाई। और यही वजह है कि जब वो इख्तियार के मसले में जो कुछ अकायद में आते कर जाए कि सारा जो कुछ दुनिया में हो रहा खुदा की तरह, लेकिन मौला ने उसी तक मसला हल कर दिया था। उसने कहा कितना इख्तियार कितना जब पैसा उठा ले उठाई कल ये तेरा इख्तियार है, दूसरी भी उठा ले उनका दूसरी भी उठा सकता है, कल ये तेरा इख्तियार है और वो खुदा का इख्तियार दूसरी भी उठा सकता। कहां तक होगी तो कायनात बनने के पहले आलम गर में आलम नूर सारी रूहों को जो कयामत तक पैदा होने वाली थी उन्हें खल्क करके उसने आवाज देकर बुलाया, और बुलाने के बाद उसने सबसे पहला सवाल यह किया कि मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं। सब ने कहा तू मेरा रब है, हर रूह ने पुकार करता तू मेरा रब है, लेकिन उसको अपने इल्म इलाही से यह मालूम है कि इसमें हर रूह जो कह रही है तू मेरा रब है कितने हैं जो फिरौन बनेंगे, कितने नमरूद बनेंगे, कितने गद्दार बनेंगे, है ना उसे पता है। यहां कह रहे हैं तू मेरा रब है, वहां जाकर खुद खुदा बने, उसे मालूम था ना, है ना मालूम। तो जब उसे मालूम था कि इसमें फिरौन कौन है, नमरूद कौन है, गद्दार कौन है, यही पर खत्म कर दे पैदा ही न करे शर होगा ही नहीं, पता है। लेकिन अब उसने दूसरा मरहला ये कि उसने आखिर को आवाज और कहा ये आखिर है, इसे आखिर कहते जमादात को नबाता को हैवाना को तमाम इंसानों से कहा गया ये आखिर है, ये आखिर है, कौन इसे लेगा। अभी पहली आवाज की थी कि इंसान खुद बढ़ा और उसने उठा दिया। सूरह ताहा में परवरदिगार ने कहा बड़ा जल्दबाज था ये और खुद उठा लिया, पनाह मांगी पत्थरों ने पहाड़ों ने इंसानों ने हैवानों ने कि हम इसका बार नहीं उठा सकते, इंसान ने आगे बढ़कर उठा लिया। जब खुद उठा लिया तो परवरदिगार ने आवाज दिया अब तुम अपने जिम्मेदार हो, ये जो चीज तुमने उठाई है यही तुम्हारा हादी है, तुमने इसके खिलाफ किया जजा और सजा इस पर है। पहला हादी अक्ल है, नबी बाद में इमाम बाद में, जिसने अक्ल के खिलाफ किया वो जहन्नम में गया। अक्ल हिदायत करती है, अक्ल गुनाह की तरफ नहीं ले जाती,
अपनी बदी की तरफ नहीं ले जाती। आपकी हक है चाहे काफिर के पास हो या मुशरिक के पास हो या मुसलमान। और उसके बाद इसने अब आवाज की, इंसानों तुम्हारे अहद का नबी आदम, तुम्हारे अहद का इब्राहिम मूसा ईसा, हर अहद के इंसानों की रूहों को बताता गया कि तुम्हारे अहद का नबी यह है, जब इसको हम भेजें तो इस पर ईमान लाना, इस पर ईमान लाओगे तो जन्नत मिलेगी। सबने कहा हम इस नबी को मानेंगे। जहां तक के मासूमीन का दौर आया और खुदा ने आवाज की, ये नबी आकिब, ये अली, ये हसन, ये हुसैन, हर नबी और इमाम के अहद की उन्होंने ये कहा कि हमने अपने नबी और अपने इमाम को पहचान लिया। मैं आपसे पूछूं कि उस अहद की रूहों में अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, यजीद भी था, दीगर लोग भी थे, क्या खुदा को यह नहीं मालूम था कि इसमें किसकी कौन सी रूह है? कि परवरदिगार इन्हें पैदा न कर, इन्हें रोक ले, जाने न दे, तुझे अपने इल्म से मालूम है। तो क्या जवाब देगा परवरदिगार? मैं रोक लूं, जुर्म किया ना इन सजा पहले दे दूं, मैं अपने अजीब को खत्म कर लूं, अभी धरते तो कोई इजहार हुआ नहीं। ये तो सारी उन्होंने इकरार कर रही है कि हम मानेंगे, हम मानते हैं। तो यजीद की रूह को मैं क्यों रोकूं, जबकि ये इकरार कर रही है कि मैं अपने अहद के इमाम को पहचानूंगा, मैं क्यों रोकूं? अच्छा ठीक है, तुझे इल्म है, पता है, लेकिन इसने अभी जोर नहीं किया, पैदा कर लिया तुमने, पैदा कर दिया, उसने बैत का सवाल किया है, अब तो इसको मार दे, इसकी रूह को कब कर ले। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ये इकरार कर चुका, अब इसको हम गुमराही में जाने देंगे ताकि ये सजा का मुस्तहक हो जाए। इसलिए कि अब हक के रिटर्न छीन कर एक नंबर भी बढ़ाकर यजीद को नहीं देना है। अब मेरा बंदा पहचाना जा रहा है, उसकी अजमत बढ़ रही है, और बातों की बुराई जो है वो गुमनामी के घाट की तरफ जा रही है, अब नहीं रोकेंगे। अच्छा शुभ के खंजर को रोक लें, ये गले पर इसने खंजर रख दिया है, अब तो रोक ले, खंजर को रोक ले, इसके हाथ को शल कर दे। क्यों करें ऐसा? ये हमारी मर्जी है, तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अब ये हर जगह पर ये मसला देखते जाए, क्या कहा इब्राहिम ने, क्या कहा इब्राहिम नमलू मनाजरा दिया, जब उसने कहा कि तुम्हारा रब कहां है, रब तो मैं हूं, तुका रब पूरा है, तो जरा आसपास के मगरब से निकाल बगले छाट में लगा कुरान में। इस पर गुस्से में आकर कहा, इसे आग में फेंक दे, कुछ को शिरका बस जब करीब से नहीं चलता तो वो ये कहता है इसे कत्ल कर दो, मार दो। यह है पूरा फलसफा कि मासूमीन क्यों मारे गए, जब कुछ को शिरक को मुनाफकत को दलील न मिली तो कहा मार दो। यह है सीधा कत्ल, मार दो। अच्छा मार दो कैसे? आग में फेंक दो। तो जब हुक्म दिया है कि आग में फेंक दो, जबान को शल कर दो, हुक्म ही नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा था। आग जलाई जा रही है, लोग लकड़ियां ला रहे हैं, रोशन हो रही, इतनी आग रोशन हुई कि परिंदा ऊपर से बर्बाद न हो। जब लोग लकड़ियां ला रहे थे उसी वक्त सबके हाथों को शल कर देता, मार देता, नहीं आग रोशन हो गई, इब्राहिम आ गए देखने के लिए तैयारी हो गई। उसने आकर कहा कि इंजीनियर में दिखा कर देख दो, इंजीनियर में दिखा दिए गए, इंजीनियर चल दी, तो अब इंजीनियर को रोक ले, जिसने इंजीनियर चलाई है उसके हाथों को शल कर दो, अब तो कुछ कर। अच्छा ये तो तू कर सकता है, बादल ला, बादल आए बारिश हो, आदमी क्या कुछ भी नहीं करता, कुछ नहीं करता। अब चला बंदा उसका प्रवास कर रहा है, आग की तरफ जा रहा है, क्यों खामोश है? तवज्जो रहे, सिर्फ इसलिए खामोशी थी कि
लिए इस इंसान को जिसे हमने बनाया है, इसे हमने अशरफ का लकब दिया है, ये अशरफुल मखलूकात है, ये जितनी भी तरक्की करना चाहता है हम इसे करने देते हैं। हम इसका इम्तिहान कर रहे हैं कि अक्ल के साथ है या नहीं। जब ये अपनी मेराज पर पहुंचता है हम बैठे देखते रहते हैं, जब उसकी हद तमाम हो जाती है तो हम बीच में तुम्हें कहीं पर रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, हम मुखे नहीं होंगे तुम्हारे काम। बस तुम्हें जहां तक जाना है चलते चले जाओ, चले जाओ। जब तुम्हारी हद खत्म हो जाए, तुम ये ऐलान कर दो हमारी हद तमाम हो गई, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो नमरूद के हद में इंसानों की हद कहां पर तमाम हुई? बस ये हद थी कि न्यूजीलैंड में दिखाएं और फेंक दें, अब इसके आगे कुछ नहीं। हद तमाम हुई इंसान की। तो अब उसने जवाब दिया कि तुम्हारी हद तमाम हुई जहां से हमारी हद शुरू हुई। इसलिए नहीं रोका था कि लकड़ियां ले जाओ तथा शल कर दें, नमरूद को मार दो। तुम अपनी वाली करते रहो, अपनी वाली करते रहो, जहां शकत तस्लीम कर दो कि अब इसके आगे कुछ नहीं करो, वहां से हमारी हद शुरू होगी। ताकि तुम्हें मालूम हो कि रब और है, बंदा और है। जहां इंसान हार गया, फेंक चुका और यह समझा कि हम जीत गए, जहां से उसको अपना एहसास नशे पथा हुआ, वहां से परवरदिगार ने कहा हार गए, जीते नहीं हार गए। देखो तुम फेंक चुके, अब बचा रहे और अब भी नहीं, अब भी नहीं। इसमें तो जो फेंका है, अभी यहां एक और हद है, या मलक की हद है। मलक ने कहा हम जाएगा जाओ, तुम भी अपने आप को आजमा कर देख लो। तो अब परवास के दरमियान में मलक मुकर्रब ने कहा मदद दरकार है का तुमसे नहीं, जिससे मदद दरकार है वो जानता है। मलक की हद भी तमाम हो गई। अब परवरदिगार ने कहा मेरी हद देखो, बस मलक भी तमाम, इंसान भी तमाम। जो मेरा मुखलस बनता था आज तो गुजार बना दिया। ये न मलक कर सकता है न इंसान कर सकता है, दुनिया हमसे कहती है पूछती है वो है तो आते क्यों नहीं, वो जब छुपे हुए हैं पर्दे में तो आते क्यों, क्यों आए, क्यों आए? अभी तो इंसान की आवाज दिए चला जा रहा है तरक्की 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 तरक्की, पर परवरदिगार को नहीं मालूम है कि अभी इंसान ने यह ऐलान कहां किया कि हम मंजिल तथा तक पहुंच गए। जिस दिन ऐलान करेगा इंसान कि आज हमारी हदें तमाम हो गई और मंजिल इर्तिका पर पहुंच गए, उनके लाएंगे हम उनको तवज्जो है कि ये लाएंगे। इर्तिका क्या है इंसान का? इर्तिका है अपनी हथियार। और जिस दिन वो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल हो गया, उस दिन इंसान ऐलान करेगा कि आज हमारी फतह हो गई। और वो क्या है? वो सबसे बड़ा आइटम बम जो बन चुका है, जो कम से कम आधी दुनिया को तबाह कर सकता है। एक रूस के पास है, एक अमरीका के पास बना तैयार रखा हुआ, जो दुनिया को गार बना देगा। एक इनके पास है, उनके पास उसका बटन वहां है कंप्यूटर के जरिए कि जहां मुल्क का प्रेसिडेंट रहता है, सरहाने बटन है। एक बटन अमरीका के सदर के पास है और एक रूस के सदर के पास, और दोनों के लिए यह है कि अगर लड़ाई आदमी छोड़ गई तो जो सबसे पहले इत्तला पाते ही बटन दबा देगा वो जीत जाएगा और उसका मुल्क तबाह हो जाएगा। निशाना जो है वो वाशिंगटन का है और यहां मास्को का है, सीधा जाएगा मास्को पर उनका, उनका सीधा जाएगा वाशिंगटन पे। और अगर दोनों एक ही वक्त में चले तो जब आपस में टकराएंगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, और अगर क्रास कर गए तो दोनों एक साथ, और वरना अगर एक की एक सेकेंड की देर हो गई तो वहां चलने से पहले वो तबाह हो जाएंगे ये बच जाएंगे, या ये तबाह हो जाएंगे वो बच जाएंगे। लेकिन तारीख ये कह रही है कि वो जरूर उस वक्त करेंगे जब मशरिक में भी आग नजर आए, मगरिब में भी आग नजर आए। समझे ना? यानी तुम अपनी दुनिया को खुद आग बना लो। जब तुम आग बना लोगे तब हम पकड़े इब्राहिम को लाएंगे।
नमरूद ने दुनिया को जब आग बना दिया तब हमने नबूवत दी इब्राहिम, फिर हमने बताया यह है नबी, यह है हाजी, तो तुम जला दो दुनिया को। और एक सिर्फ ये मादी आग नहीं, तुम्हारे पास हसद की आग है, तुम्हारे पास कीड़े की आग है, तुम्हारे पास गीबत की आग है, जीना और चोरी की आग है, तुम खुद अपनी आग में जलते जा रहे हो। तो तुम्हें भड़का लो, इतनी भड़का दो कि वक्त के नमरूद बन जाए, तब पकड़े इब्राहिम जी को हम भेज दें सलावत करने। हमसे पूछ नहीं सकते कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हम क्यों ऐसा करें कि हम फिरौन को कलमा पढ़वा कर मुसलमान बना दें, हम नमरूद को कलमा पढ़वा लें, हमारे लिए क्या मुश्किल था। हमें न हिदायत करने वालों की जरूरत, न अंबिया की, न मासूमियत की, हमारे लिए क्या मुश्किल था। हमने करोड़ों लाखों फरिश्ते बना लिए और दो फरिश्ते हर इंसान के पास, और इंसानों से कहीं ज्यादा तादाद है फरिश्तों की। हम दो दो हमने साथ लगाए, एक एक हम और हम साथ लगा देते और हमारी दुनिया का कारोबार चलता रहता। और इस फरिश्ते का काम कुल इतना होता कि वो ये कहता, उठो और सुबू की पढ़ो, नहीं पढ़ोगे गला घूमते। कौन न पढ़ता सुबू की, सर्दियों में ठंडे पानी से वजू करना पड़ता, जहर की पढ़ो वरना सारा कारोबार भरा रह जाएगा सब पना। मगरिब की पढ़ो, खाना खाने से पहले पढ़ो, वक्त से पढ़ो, ऑक्सीजन का फर्क ना हो वरना भी रूपर धमकियों पर धमकियां होती, पूरी दुनिया कलमा पड़ रही होती। किसी में भी ईमान की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लायक रहा पूरी, हमने इंसान की मर्जी पर छोड़ दिया, पसंद आए तो आओ। जब तुम हमसे कहते हो कि हम फिरौन को पैदा ही न करते, नमरूद को पैदा ही न करते, हम अबू जहल अबू लहाब को भेजते ही नहीं, हम यजीद को भेजते ही नहीं, हमने भेजा, इकरार किया था उसने कि तू हमारा रब है, ये हमारी रहमानियत थी कि हमने भेज दिया। यहां आकर सर्कश हो गया, अब जो सर्कश हो गया है तो मौत इसका बदला नहीं है। ये तवज्जो है, हम इंतकाम ऐसे नहीं लेते, हम कोई छोटी चीज नहीं है जो अपनी बनाई हुई मखलूक के कीड़े को हम मसल कर खत्म कर देते। तुम्हें कलमा क्यों नहीं पड़ा, तुम क्या हमें सिर्फ डिक्टेटर समझते हो, एक दुनिया का हुक्मरान समझते हो? नहीं, अब क्या करना है तुझे वो कर लो। हम देख रहे हैं लश्कर, खजाने, फौजें, हुकूमत क्या क्या कर रहा है भाई। हम बैत लेंगे हुसैन, ठीक है भेज दे आदमी, चला ले अपना हुक्म, घेर ले हुसैन को, ले आओ 1,00,000 लश्कर। न लश्कर पे आग बरसे, न तूफान आए, बारिश हो, न जमीन थके, न आसमान गिरे, कुछ नहीं, तू सारे काम करता चला जा आराम से, यहां तक के शर्म जाए और खंजर रखे। अब भी हम कुछ नहीं करेंगे, न शिविर पर मौत आए, न यजीद बना हो, न लश्कर बना हो, क्यों? तू अपने मर्जी चला ले, लेकिन बहुत मेहनत की मैंने जुमले के लिए, पूरी तकलीफ पर पूरी मेहनत से जो जुमले के लिए थी, बार बार जो मैं आपके इस्तेमाल पेश कर रहा था वो भी जुमले के लिए, तो उसने खंजर रद दिया। अल्लाह ने कहा ठीक है, ये बता तेरा अख्तियार कहां तक था, यजीद ये बता अख्तियार कहां तक है इंसानी। आवाज दी उसने कि खंजर को हमने गले पर रख दिया, का अख्तियार तमाम हुआ या नहीं, बस यहां तक तेरा इत्तेका था कि खेल ले सबको खत्म कर दे, अब ये एक बचा है इसके गले का खंजर रख दे, बस चलाना ही तो है ना खंजर, यहां पर तेरा इख्तियार खत्म हो गया, अब मेरा इख्तियार दे। तूने अपना इख्तियार दिखाया कि सबको मार दिया, अब उसको भी मारने जा रहा है, तो हम तेरे हाथ को शल नहीं करेंगे, तेरे खंजर बने रोकेंगे। हम सारी कायनात के मालिक हैं, हमने अख्ल भी बनाई है, हमने मौत बनाई है, हमने ये तो
इंसानों के बहन गुमान में भी नहीं था कि शहादत की मौत जिंदगी बन जाती। यह है कजा, यह है कदर, यह उन्होंने बदा मालूम था, जानता था परवरदिगार। शबे आशूर खुद इमाम हसन ने फरमा, शबे आशूर मलक मुकर्रब आया, क्या नरिश्ता है परवरदिगार लेकर। सुनिए, परवरदिगार ने बात को तय गुरु के सलाम को यह कहा कि कथा मुकद्दर है पूरे अरब पर, तुम्हारी हुकूमत है, तुम हां कर दो, हुकूमत तुम्हारी है उस पर। और इसके साथ परवरदिगार ने यह भी कहा, एक शम्मा भी, एक जर्रा भी शहादत के सवाब में कमी नहीं होगी। जो सवाब बाद शहादत में मिलेगा वही सवाब है, तुम हां कर दो कथा तुम्हारी। लेकिन हुसैन ने क्या कहा, तेरी मंजिल तस्लीम है रजा के आगे। हुसैन ने सर झुका दिया। फिर इमाम फरमाते हैं, किसी ने कहा क्या आलू को नहीं मालूम था कि मंजिल मस्जिद में है, क्यों है 19 की सुबह क्यों गए मस्जिद। तो आपने फरमाया कि बात यह थी, और तफसील से मासूम ने फरमाया कि हर मासूम की मौत से पहले खुदा मलक मुकर्रब को भेज कर पूछता है कि मौत कैसी चाहिए, मर्जी चाहिए। मासूम का इरशाद आप याद हुआ। अब मैं उस सवाल का जवाब जिसके लिए मैंने पूरी तकलीफ की कल बाता जा रहा हूं, इंसान ने सवाल। तो आपने फरमाया कि मलक मुकर्रब आया 19 रमजान की शब, और उसने कहा आलि परवरदिगार ने यह कहा है कयामत तक की हयात और कायनात की हुकूमत और आज से भी शहादत जरूरत अपने नियम के साथ कर लीजिए। तो इमाम फरमाते हैं रात मेरे जग में, मेरे जग में कायनात की हुकूमत और कयामत तक की हयात को ठुकराकर लगाए रब का इंतखाब किया, मर्जी रब का इंतखाब किया। तो जो शब हिजरत वादा था मरने बेचने के बाद, तो उसमें खलल डालते मौला मर्जी रब, पूरी हयात जिस पर मेहनत की थी एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए मर्जी रब को ले लिया, मर्जी रब को। जब आप मुझे बताइए कि परवरदिगार की मर्जी दोनों है, हुकूमत ले लो या शहादत ले लो, लेकिन ये बंदे कैसे बंदे हैं कि इन दोनों मर्जियों में से बेहतर जानते थे कि परवरदिगार की असली मर्जी क्या है। सलाम करिएगा, हुसैन से यही कहा गया कि हुकूमत तो क्या नहीं, मंजिल तस्लीम हो रहा, मंजिल तस्लीम हो रहा। अब आप देखिए रास्ते बहस के थे, क्या हुसैन कथा करते माजी सुनतों से, तो बड़े बड़े मेरे अजीन ने कहा कि सिर्फ माजी सुनत को इस्तेमाल करते तो हुसैन के लिए कथा तो मुश्किल नहीं। सुकीनों जमन और मेहरबान में मौजूद थे, लड़ते हुए देखा, छोटों ने जो लड़ाई की थी हुसैन के उन्होंने बड़े थे। और इससे पहले मैं की लड़ाई देखते हुए और फिर खून का आसर बनी हाशिम की सजा, उमर के इमामत अली का आसर नाना का असर, कोई मुश्किल नहीं था। बड़े बड़े मौलवियों ने लिखा कि सिर्फ मादी कुवत में हुसैन के पास, पूरे अरब के पास जो कुवत थी उसकी चार गुना कुवत हुसैन के पास, सिर्फ उसका इस्तेमाल करते तो पूरी मंदिर का तो इस्लामी हुसैन के कदम में,
चार बहादुर हुसैन बता करते थे कि सिर्फ वो चार मैदान में आते तो अरब का कोई सीमा मैदान में फैलता। चार बड़े सजा थे हुसैन के पास, मोहम्मद हनफिया, अब्दुल्ला इब्न जाफर, मुस्लिम इब्न अकील, अब्बास इब्न अली। और ये चारों वो थे कि जो मर चुके थे, पूरा अरब इनकी लड़ाई देखते हुए, पूरा अरब इनकी लड़ाई देखते हुए मोहम्मद हनफिया के लिए मोहरफी ने लिखा कि जरे आई की माले रमत में अली जोड़े से उठाए खाकर एक शख्स की तरफ जोड़ा फेंकी। उसने देखा, उसने कहा मौला ये तो मेरे जिसम से बड़ी सदाकत कर दो। सदाकत किया, बेटे की तरफ डाल दिया। 18 साल का बेटा मोहम्मद अनबिया का बेटा, ये जरा उससे बड़ी है। मोहम्मद अनबिया ने जरा उठाई नापा, नाप कर जहां से बड़ी थी हाथ से उसे पत्थर की तरह था। जरा मोहित दिया बड़ियों से बना लिया। और उसी दिन मोहम्मद अनबिया के हाथ में नजर लगी कि हल्का सारा सा हाथ में आ गया। अब्दुल्ला इब्न जाफर चमर का अलम था। अब्दुल्ला इब्न जाफर जना बजाय की शौर मुस्लिम बिन अकील, जिसके लिए मोहम्मद इब्न असद ने कहलवाया था इब्न जाद को, लश्कर से लश्कर भेजता रहे। इब्न जाद बताता एक अकेले के लिए सुबह से शाम हो गई और एक पर पता नहीं पा रहा क्या कहा था, क्या किसी दूसरे के गलिए बक्काल से लड़ने को नहीं जाए। बन मानसिक का जवान गलियों में वो लड़ाई कि एक को उठाकर अगर तारुल अमारा के दाम पर देता तो दस को लेकर वो देता था। कमर के पत्ते में हाथ डालते तो घोड़े को उठाते तो दाम पर देखते। शाम तक ये लड़ाई अकेले में लड़ी और अब्बास सुप्रीम के मैदान में अली ने चेहरे का नकाब डालकर जब भेज दिया तो कहना पड़ा था अमर वास को भी और हाकिम शाम को भी मुझे तो अली नवाब। जब ये नारा बुलंद हो गया कि अली चेहरे का नकाब डालकर आए हैं तो अब अली मुंडा सपों से निकलकर अब्बास के करीब आए और चेहरे से नकाब हटाकर कहा हाजा कमर बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का शान है, ये बनी हाशिम का शान है। तुम इसे अली समझ लो, ये चारों ताकतें अगर कर्बला में आ जाती और हुक्म जिहाद नहीं जाता। लेकिन क्या किया उसने, मोहम्मद ने किया हाथ में हाथ को रास्ता जिहाद का आप नहीं जाएंगे, सोहरा को छोड़कर जा रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न जाफर आपकी आंखों की बीनाई कम हो चली है इसलिए आप नहीं जाएंगे, मैं नानी उम्म सलमा को छोड़कर जा रहा हूं, आपको घर की खबर दूरी करनी। मक्के पहुंचे मुस्लिम इब्न अकील तुम पीछे चले जाओ, तीन ताकतों को तीन हिस्सों में तकसीम कर दो, अब्बास तुम मेरे पास हो। और इशारा ये कि जहां कहबो तलवार म्यान में रख लो, जब कहबो निकाल अपने अख्तियार में अब्बास को रखा। जब आप खुद बताइए हुसैन चाहते तो पता पा लेते, लेकिन हुसैन जान रहे थे तरफ जो रहे। अब फिर वो दोनों चीजें एक जगह पर कर रहा हूं, अभी अगर चाहते तो कयामत तक की उम्र ले लेते, कयामत तक की उम्र मिल जाती, लेकिन अभी जान रहे थे फिर आखिर एक दिन मरना। कयामत तक की उम्र में भी कुल नफ्स बाकत मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, आखिर एक दिन चखना है। और जब कयामत के करीब मौत का मजा चखूंगा तो मौत का मजा क्या आएगा, मौत का मजा क्या है, मौत का मजा शहादत की मौत में है। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, लेकिन जब मालूम हो जब ना तो शहादत की मौत का मजा क्या है। रसूल के पास आए गए थे, मजा नहीं बताया, अली ने मजा नहीं बताया, हसन ने मजा नहीं बताया, हुसैन ने मजा नहीं बताया। हुसैन ने चाहा कि सब आशी हमारे घर का बच्चा बताए कि शहादत की मौत का मजा क्या होता है, कासिम तुम बताओ। तो कासिम ने कहा शहीद से ज्यादा शूरी है। तो अली जान रहे थे कि जिस घर के बच्चे मजा जानते हैं बुजुर्गों का क्या कहना, वो मौत में नहीं है, जो मीठा है मजा शहद से ज्यादा शुरू।
قیامت کے قریب اگر موت آئی تو کیا, جو موت آئے گی تو علی کو کون جانے گا؟ اور آج ان میں اس رمضان کی صبح کو ضربت لگی تو قیامت تک ذہنوں پر حکومت کرے گا, دلوں پر حکومت کرے گا. کائنات کی حکومت بیکار ہے, دلوں کو پتہ کرنا ہے. تو اب ہمارا پیغام کل موجود کر جائے, یہ نہیں کہ جب سے حکومت کرنی, یہ حکومت کیا مشکل ہے حکومت, یہ حکومت کہ انسان اپنے آپ کو مشقتوں میں ٹال کر انسان کو بتائے اس طرح قلوب میں پتا کرتے ہیں. اور پھر دوسرا راز ایک اور تھا, اور یہ آخر میں عرض کر رہا ہوں, دوسرا راز یہ تھا کہ جس کی طرف اشارہ کیا آپ کے امام البلوغ نے, وہ کیا؟ یعنی ایک طرف پسند, دوسری طرف یہ کہنا زمانے کا. اکثر لوگ کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں, کیسے کیسے مسائل سامنے آتے ہیں, کیا سب پروردگار دیکھتا رہا, جوان مر گیا, بچہ مر گیا, خاموش ہے پروردگار, کوئی ہمدردی نہیں کی حسین سے, کوئی محبت نہیں کی حسین سے. تو یہ کوئی نئے سوالات نہیں, چودہ صدیاں گزر گئی انہوں نے آل محمد کو, یہ نہ سمجھیے کوئی چیز پچھنا رہ گئی. اور معصوم کے دور میں جو مسئلہ حل ہوگا وہ کیا جاہلیوں کے زمانے میں حل ہوگا؟ مسئلے سارے حل ہو گئے, سارے مسئلے حل ہو چکے, انہیں تلاش کریے اور نہ تو پوچھ کر دیں, کسی سوال کا جواب پچھنا نہیں. سوال لکھا گیا قوم کی طرف سے, سوال حسین ابن غوث کے پاس پہنچا, نائب امام کے پاس. یہ سوال امام سے پوچھئے, کیا سوال؟ حسین نبی کے نواسے تھے, نبی محبوب ترین نبی تھا اللہ, جو محبوب ترین نبی ہے اس کا محبوب ترین نواسا چاہتا رہا, بچے شہید ہو گئے, گھر تباہ ہو گیا, اللہ دیکھتا رہا, اس نے مدد کیوں نہیں کی؟ کیوں مدد کیوں نہیں کی؟ جواب آیا, کیا جواب آیا؟ جواب یہ آیا کہ مہربان کی لڑائی صفین سے علی آئے گی, تھکا ہوا لشکر 50,000 کا لشکر, تھکا ہوا لشکر, اور اسی میں سے ٹوٹ کر قابضی نکلے اور وہ تھے 13,000, اور تازہ دم لشکر کو روک لیا مہربان کے دل پر, گھبرا گیا علی کا لشکر. علی جو تازہ دم ہے, ہم لڑ کر آ رہے ہیں تھکے ہوئے, یہ تھکے ہوئے نہیں شکست ہو جائے گا. تو کیا گھبراؤ نہیں, جنگ ہوگی, ہم پتہ پائیں گے اور سن لو کہ جب لڑائی ختم ہوگی تو ہمارے لشکر میں سے کل 13 مارے جائیں گے اور ان کے 13,000 میں سے کل 13 بچے. ابو الحبیب معتزلی جس میں نبی بلادا کو ریسرچ کیے, وہ لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر علی کے ساری روحانی موجودات سے انکار کر دیا جائے تو تاریخ کا یہ ایک ایسا موجودہ ہے جس کو انکار ناممکن. اور ایک بار جا کر کھڑے ہوئے نبی بلادا نے خطبہ ہے اور خطبہ دیا اور کہا سنو علی یہ بتائے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور کدھر جاؤ, علی یہ بتائے کہ تم 13,000 میں سب کے نام کیا ہیں, تمہاری بلدیتیں کیا ہیں, تمہارے قبیلے کیا ہیں, تمہارے شجرے کیا ہیں. اور اس کے بعد آواز دی, سنو لڑائی ہوگی, ہمارے 13 مارے جائیں گے, تمہارے 13 بچیں گے, اور وہ 13 جو ہمارے مارے جائیں گے ان کے یہ یہ نام ہے, تمہارے 13 جو بچیں گے ان کے یہ یہ نام ہے, ان کے باپ کے یہ نام ہے, ان کے قبیلوں کے یہ نام ہے, ان کا شجرا یہ ہے. لوگوں نے لکھ دیا, لڑائی ہوئی, لڑائی تمام ہوئی, کا لاشوں کو دیکھو, ہمارے جو 13 مرے ہیں ان کے نام پکارتے جائے, فہرست میں ملا کے جائے, ان کے 13 جو بھاگ رہے ہیں وہ کھلا کر ان کے نام پوچھے, فہرست میں بندیت میں ملا دے. ہو گئی نا بات, فیصلہ ہو گیا اس میں ابھی حبیب معتزلی کا تھا. جب فیصلہ ہوا تو فیصلے کے فوراً بعد ان 13 کو جب پکڑنے کے لیے بلایا گیا, صرف پوچھنا چاہتے تھے لشکر والے کہ نام کیا ہے, وہ یہ سمجھے کہ اب ہم بھی قتل ہوئے تو وہ دوڑ کر آئے بھاگتے ہوئے. ان کے سردار کا نام تھا مسعود, 13 میں کا ایک مسعود تھا, وہ بھاگتا ہوا آیا,
जान बचाने के लिए अली के कदमों से लेकर करता आज मालूम हुआ कि खुदा क्यों है। आज पता चला कि खुदा क्यों है। हम उस पर ईमान लाते हैं जो भी आज का दिन मुसैर के मानने वाले मुसैरी पैदा थे और इतना यकीन कि बच्चा पैदा हो और शाम में 40% मुसैरी है, 30% इसराइल में है, एजन में है, अरब में है। बच्चा पैदा हुआ पहाड़ी पर गए, ये तहतक होता दुनिया जिसे खुदा कहती है। अगर उसका बंदा है तो मर जा, अगर हमारे खुदा अली का बच्चा है तो बच जा। बच्चे में जभी तो है 40। सारी गुस्ती को लगाना, याद लगाना, चंद्री जी को शेर में समझते अली का बंदा होकर बंदगी की आदमी रखनी। लेकिन मोहब्बत अली की कीमत का अंदाजा नहीं है लोगों को। यह मोहब्बत जो है इसलिए है अली का बंदा होकर बंदगी की आदमी रखनी लगाना के लिए इतना दूर था, मजबूर होता था। अली ना होते तो दुनिया का हर इंसान खुदा बना होता। अली को देखा तो साथ हुआ हम बन गए हैं, वरना हर इंसान खुदा बन जाता। इतना मजबूर और सर्वस बनी होता अली का बंदा होकर बंदगी की याद नहीं रखे, वरना लगाना के लिए क्या दूर था, मजबूर हो जाना। अब समझे आप, अगर परवरदिगार की तरफ से जो बंदे एक सुकून के लिए मदद तलब कर ले, ये है वो मंजिल जो जहां नहीं चाह कर पैदा हो जाए। और समझे ना इसे, एक सेकेंड के लिए उधर से मदद कभी नहीं चाहिए। अगर मदद मांग लेते तो मालूम था हम खुदा बन जाएंगे। जवाब आया हुसैन इतने रहे बंदों से कह दो कि अली ने सिर्फ अपना प्यार इस्तेमाल किया था, ये बताकर अपने दिल का एक दर्रा बताया था। दिल का जो दर्रा सामने आया तो झटका बन गया, अली को खुदा मानने लगा। अब हुसैन इशारा करते थे तो जमीन फटे, तूफान आए, गुलाब का पानी बढ़े, तो वो एक लाख का लश्कर तुम 50 बरस हुए तो ईमान लाए हुए। देखते तूफान आया है, तूफान हुसैन की तरफ से आ रहा है, चांद बचाने के लिए भाग कर जाते हुसैन से कब्जे से निकलते। वो कब्जे करते आज पहचाना तुम्हें खुदा है, तुम्हें खुदा। और जानते हो अगर इसका कितनी में यह हो जाता तो क्या होता। कुल ईमान एक तरफ था, कुल पुत्र और शिर्क और मुनाफत एक तरफ थी, सारा इस्लाम सुलझ कर एक जगह जमा हो गया था। अगर सब ये कहते कि हुसैन खुदा है तो ना मस्जिदें होती, ना अजानें होती, ना कोई इस्लाम। हुसैन का दिन बन रहा होता, हुसैन खुदा होता। हुसैन वो बंदा है जिसने खुदाई को ठोकर मारा, और फिर इसलिए खुदाई को ठोकर मारी कि मेरे रब तेरे सजदे रह जाए, तेरी लगाने रह जाए, तेरा नाम रह जाए, पर ना मेरे लिए खुदा बनना चाहे। मैं तुझसे मदद मांगता और खुदा बनता, मैं खुदा बन जाता तो वो हुसैन जो खुदाई को ठुकरा दी तो दुनिया में करो तो फेर कर मार दिए गए। क्या हुसैन कोई मजबूत थे? नहीं, हुसैन मजबूत नहीं थे। एक तरफ हुसैन ने शहादत की जिंदगी भी पा ली और इंसानियत को हयात नौ भी बख्शी, और दूसरी तरफ क्या पतंगाजिया ने ये भी बता दिया कि कातिल बचेंगे नहीं, ये हमारे प्यार में है। मुख्तार तुम जाओ और मुख्तार है, मुख्तार ने उस सियासत के साथ पीछे कर हुकूमत हासिल करी, हमला कर दिया, उनके साथ भाग गया और सारे हिमाचल छूट गए। काफिला में हुसैन भागने लगे। अभी कल तक यानी बाद करबला तक पहले इंद्राजी को शिकाय बनी गए थे, तो लोगों ने कहा कि मौला पहले कादिल हुसैन उनकी तरह हमको छोड़ दे। कमल तीसरा साल तक नहीं होगा जगह पर देखोगे हर पार्टी का सर सामने आ जाएगा।
तारीख बताए, महीना बताया, सब बताया, 64 दिन तमाम नहीं होगा तो इंतजार का कर रहा होगा, लोग इंतजार करने लगे, इंतजार करने लगे। क्या मुख्तार को इन बातों की खबर है कि जब तो उसको इतनी प्रेरक थी कि एक तरफ अली का फर्क, एक तरफ चले की शादी की गया, तो समारोह था कि यह काम न करूंगा। और जब तारुलमारा में तख्त पर आकर बैठ गया तो एक तरफ उसने अब्दुल्ला इब्न सानी को करोगे शहर पर आ दिया और अपने गुलाम खैर से यह कहा कि पोलिस क्यों बनाता जहां जो किसके किसके सर आ गए, सर कटते जाए, कानों में पक्षियां लटकती जाए, तारी हमारा पर पोलिस लटका दी जाए और जिनके नाम लिख दिए जाए पोलिस पर, जो आता जाए उसका नाम कटता जाए और रोज सुबह दिखाया जाए अभी कितने बाकी है। लिस्ट तैयार हुई और लिस्ट में सब मुख्तार ने कहा था कि हुसैन के नाते को ले जाकर ऊपर में अदाल करके जिन लोगों ने इसका दोष खाया है उनके नाम भी लिखे हैं। नहीं, आप देखिए मुख्तार की कितनी कान थी कि ये पत्रकारा कि उस नाते का दोष ऊपर से जिन जिन घरों में गया था उन घर में कितने कितने अपराध के सब लिखते हैं। ऐसे बनाई है जो मुख्तार ने कातिला ने विषय की, तभी एक लाख 86,000 जो है उन्होंने मुख्तार ने कत्ल किया तो पता ये चला जो खंजर रख दे वही कातिले हुसैन कभी है। नहीं नहीं, बल्कि जो कातिले हुसैन के अमल पर आमोश हो जाए वो भी कातिले हुसैन है। जो कातिले हुसैन पर लानत से परहेज करे वो भी कातिले हुसैन। तो इसीलिए कयामत तक कातिला ने हुसैन को भी आते रहना और उस सैलाब को रोकने के लिए मुख्तार ने खुदाई तलवार का उपकार दिखाया था। पुलिस किसी वक्त भी हो सकता है, देखो कातिला ने हुसैन पर जब भी हमला हो जाए हर अहद में यजीद बनता रहे अंजाम देखते रहे। मुख्तार ने सिर्फ एक नमूना दिखाया था कि यजीदों का अंजाम क्या होता है। अब्दुल्ला के पानी तुम्हारा काम में है तो बड़ी गली में जाओ, पता लगाओ कौन से बाबा की छुपी थी, किन मकानों में छुपी। एक बार इतना भी जब गोली को अपने घर में छुपा हुआ तब भी साथ में पहुंची, गोली को अपने घर में छुपा हुआ कटाओ और उनका घर देख लिया। गोली आपको मालूम है गोली वो है कि जो असल के बाद सबसे पहले मौजा लेके चला और शाम तक मौजा उसके हाथ में था और उस पर सर हुसैन और सर हुसैन उसकी हिफाजत में दिया गया और सबसे पहले 11 दिशा तक घर पर लेकर आया। इसकी जो भी अपनी शांत की रखने वाली और एक दूसरे की रखने वाली एक मोमिना थी, मुनाफिक मोमिना के घर में पर लाया था और जब सब को तमूर में लाकर रखा तो रात को मोमिना ने यह मंजर देखा कि हिजरे ने नूर फैला तो तुम्हारी आत्मा देख ली। तीन बात जो सोनी को किसका सर लाया है, तब गरीब ने दूसरा लाया था, तब किसका सर है, तय लाया था नबी का सर। और आज मुख्तार को खुला मिली तो जाओ जाकर इसे गिरफ्तार करो, सिपाही गए चारों तक पकड़ सके दरवाजा नहीं सकता, अंदर से दरवाजा क्यों नहीं दिया। चर्चा किया सिपाहियों ने खत पकड़े और जहर नहीं दे अंदर गए तो वो भी जो दूसरे की जाने वाली थी लगा दी, उससे पूछा कि बीवी कहां तो अब वो बताना भी नहीं चाहती और ये भी बात है कि मुख्तार के सिपाहियों को बता दे। इतनी देर में बीवी आ गई, उसने देखा कि बताओ सब सिपाही चारों तरफ में मकान खोल दिया गया। उसने कहा यह कैसी आफत आई है घर को, यहां से मेरा प्रयास कर तो दूसरे राज्य ने इशारा किया कि भाई यहां से जाओ, यहां नहीं है गोली। और जब कहा कि यहां नहीं है तो उसका इशारा कैसे कला की तरफ था। तारीख मुख्तार ने बताया कि बादला ने हुसैन छुपने के लिए जगह नहीं पा रहे, यानी कुदरत ने जो किताब नाजिल किया कि अब वो कहां कहां छुप रहे थे। और जब दरवाजा खोला गया था कोई समा का तो वहां मदारक नहीं थे। अब आपको कैसे समझाए कि पंजाब में और पहले जमाने में हिंदुस्तान में टेहरे पर भी समा करते थे कि दरवाजा घर में होता था बाहर की चीज गलत थे और इधर ही घर से आए और वो चला गया
सफाई करते तो जो दरवाजे हर का सिलसिला कर दिया करते तो मुझे का जो पहचाना था मैंने कुदरत ने चाहा कि इतनी पत्नी में जाए फासिले हो जाए और वहां से निकाल कर कत्ल किया जाए। तो जब दूसरे दरवाजे से तलाशी मिल गई तो वहां से मिली बरामद हुई और इन्हें गिरफ्तार करके दरवाजे में ले चले पिताजी मुख्तार के तो चारों तरफ के लोग पत्थर मारते थे फूट रहे थे जितने बार रहे थे और लेकर दरबार में दरबार में जाए अभी फौजी को लेकर दरबार में पहुंचे थे तो दूसरी तरफ से जिन्होंने फौज की याद आ थी कि अम्मार भी गिरफ्तार हो गया। कौन अम्मार? कातिल अब्दुलरहमान बिन अकील जनाब अजीब के पर्दे से करबला में शहीद किए गए मौलाए कायनात के कभी हसी थे और अली की एक लेकिन मल्ला जिसके अली की शादी अब्दुलरहमान बिन अकील के लिए जन अली के दामाद भी हैं अली के कभी भतीजे हैं अभी तालीम के बेटे हैं। इनका कातिल गिरफ्तार हो गया और का कातिल जो आ रहा है अपनी रहमान के घोड़े पर सवार लोगों ने घोड़े का एहतराम किया लेकिन कातिल को मारते हुए लाए। कातिल आया इधर फीवी पेश किया गया जबकि कवर में रखी गई फीवी पेश किया गया इधर अम्मार पेश किया मुख्तार ने कहा फीवी को तो कैदखाने में बंद कर दो सीधा कतल करेंगे अम्मार के मेरे सामने बंद अम्मार के मेरे पास अम्मार को लाया गया इससे पूछा कि तुमने क्या जुर्म किया था और फिर रहमान जी ने अपील पर शहजा देगा तो उसने कहा मैंने कति किया लिबास उसका लीज लिया मैंने उनका लिबास उतार दिया। अभी मजबूरी थी कि गुलाम मुख्तार के करीब आया तकलीफ के आपने दिए जो मजबूर बात कर रहे और तकलीफ खत्म हो गई तो उस बार गुलाम करीब आया और कहा कि सारे हमारा जो दरवाजे पर अमी एक 14 साल का खूबसूरत का बच्चा खड़ा आपसे मिलना चाहता है का कहां का है वो बच्चा क्या बताता है का जो वो बच्चा वो कह रहा था मदीने से आया हूं महल्ला बनी हाशिम बस महल्ला बनी हाशिम का नाम सुनना था कि अब मुख्तार को होश न रहा न सर से अमामा न पैरों में नाले का ज्यादा पहुंचे हुए सारे नमारा के दरवाजे की तरफ चले दरवाजे पर पहुंचे देखा तो दूसरे कांधे पर पड़े हुई शान का चेहरा रोशन है करीब पहुंचे का शहजादे आपका नाम का मेरा नाम कातिल है का किसके बेटे हैं का जिसका कातिल अभी पकड़ कर तुम्हारे पास आया मैं अकील का बेटा हूं अब्दुल रहमान तुम्हें अकील का बेटा हूं अली का नवासा ये जिसने सुनना था मुख्तार कदमों का जो पड़े पैरों को छोड़ने लगे का शहजादे अकेले मदीने से आ गए बस आखिर जगह वो शहजादे अकेले मदीने से दूर आ गए का मुख्तार अकेला नहीं वो सामने दरख के नीचे मेरी माँ खड़ी है मेरी दोनों बहनें खड़ी ये सुनना था मुख्तार ने सर पर हाथ मारे लोगों से कहा पर्दे लगाओ सारे लमारा में शहजादी आ रही है पर्दे लगे अपनी की बेटियां मुख्तार ने पर्दे लगे पाया मैं कहूंगा मुख्तार अभी चंद दिन पहले इसी दरबार में अली की बेटियां محمد کے شکایت کر گزارا کے مقامات کے مقدس کرنا چاہتے ہیں۔